सलमान खान ने फिर से दिखाई दरिया दिली, बॉलीवुड के एक और सेलिब्रिटी को की मदद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफ एस स्टार न्यूज। जब सलमान खान टाइगर जिंदा है का प्रमोशन करने के लिए सुपर डांसर चैप्टर 3 के सेट पर गए थे, तब शिल्पा शेट्टी ने एक बहुत बड़ी बात की थी, जब उन्होंने कहा था कि सलमान खान उन लोगों में से है जो शायद किसी के सुख में शामिल हो या ना हो, लेकिन उसके दुख में जरूर शामिल होते हैं। और ये बात किसी से नहीं छिपी। जय सलमान खान बेइंग ह्यूमन के द्वारा कई सारे गरीबों को तो मदद करते ही है, लेकिन कोई भी अगर बॉलीवुड सेलिब्रिटी मुश्किल में हो तो सलमान खान तुरंत ही उनकी तरफ से जो हेल्प हो सके वो करते हैं। और इसी बीच एक और वाकया सामने आया है। बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफ सरोज खान को तो आप पहचानते ही होंगे, अगर नहीं पहचानते तो बता दूं, उन्होंने बॉलीवुड में कई सारे सॉन्ग में कोरियोग्राफ किया है। यहाँ तक कि माधुरी दीक्षित को भी डांस सरोज खान ने ही सिखाया है, और माधुरी दीक्षित सरोज खान को गुरु भी मानती है। पर बता दूं कि सरोज खान का ग्रैंडसन इन दिनों बीमार है, और वो सलमान खान का बहुत बड़ा फैन है, और उनके ग्रैंडसन को सलमान खान से मिलना था, और इसके लिए सरोज खान ने सलमान खान को इन्वाइट किया था, तो सलमान खान तुरंत ही उनके घर पहुंचे थे। और उसी के दौरान सलमान खान ने सरोज खान को पूछा कि आप इन दिनों क्या कर रहे हो, तो उन्होंने हॉनेस्टली बता दिया कि इन दिनों मेरे पास कुछ काम नहीं है, इसलिए मैं डांस का क्लास चला रही हूँ। और ये बात सुनते ही सलमान खान ने सरोज खान को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी। जय सलमान खान ने उनके आने वाली फिल्म दबंग 3 में उनके साथ एक सॉन्ग में काम दे दिया। तो मैं सीधी सलमान खान की दरिया दिली। दबंग 3 के एक सॉन्ग में सलमान खान के साथ काम करेगी सरोज खान। आप क्या कहेंगे इस न्यूज को लेकर, वो हमें कमेंट करें। ये न्यूज पसंद आए तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए एफ एस टार न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। ने सलमान खान को लेकर कह दी इतनी बड़ी बात, पूछ दिया बड़ा सवाल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफ एस टार न्यूज। टाइगर इन दिनों उनकी अपकमिंग फिल्म ऋतिक वर्सेस टाइगर की शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन बता दूं कि उसके अलावा उनकी सिस्टर के साथ टाइगर श्रॉफ मैट्रिक्स नाइट फाइट को भी प्रमोशन कर रहे हैं। और इसी प्रमोशन के दौरान जब बॉलीवुड हंगामा में एक इंटरव्यू के लिए सलमान खान को लेकर पूछा गया, तो टाइगर श्रॉफ ने सलमान खान पर बड़ा बयान दिया था। जब टाइगर श्रॉफ ने कहा था कि सलमान सर की फिल्में 100 करोड़ करने के बावजूद भी फ्लॉप कही जाती है, जबकि हमारी फिल्में 100 करोड़ करने में ही दम तोड़ देती है। यानी कि टाइगर श्रॉफ का कहना था कि सलमान खान की कोई भी फिल्म हो, चाहे हिट हो या फ्लॉप, आसानी से 100 करोड़ को क्रॉस कर लेती है, जबकि हमारी फिल्मों को 100 करोड़ करने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। ये बात बताई है टाइगर श्रॉफ ने। टाइगर श्रॉफ की ये बात भी सही है, क्योंकि सलमान खान का स्टारडम इतना है कि उनकी हर कोई फिल्म, चाहे ईद पे रिलीज हो या ना हो, चाहे फिल्म की स्क्रिप्ट अच्छी हो या ना हो, 100 करोड़ को तो आराम से क्रॉस कर लेती है, और ये उनका एक स्टारडम का ही जादू है। जबकि दूसरे एक्टर्स की 100 करोड़ फिल्में करने में दम टूट जाता है, और एक साल में बहुत ही कम ऐसी फिल्म होती है जो 100 करोड़ को क्रॉस कर पाती है, जबकि सलमान की कोई भी फिल्म हो वो आराम से 100 करोड़ कर लेती है। बात करें पिछली रिलीज रेस 3 की, तो रेस 3 फिल्मों को बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया था, और ये फिल्मों को लेकर क्रिटिक्स के भी काफी बुरे रिव्यू मिले थे, फिर भी ये फिल्मों ने 150 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन किया था। तो फ्रेंड्स, आप क्या कहेंगे टाइगर श्रॉफ के इस बयान को लेकर, वो हमें कमेंट करें। अक्षय कुमार ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड, सब बॉलीवुड स्टार को छोड़ा पीछे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफ एस स्टार न्यूज। इन दिनों खिलाड़ी कुमार का बॉलीवुड पर जादू छाया हुआ है। आपको बता दूं कि अक्षय कुमार बॉलीवुड के एक ऐसे हीरो है जो एक साल में 3 से ज्यादा फिल्में लाते हैं, और उनकी सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा कलेक्शन करती है। और इस साल भी अक्षय कुमार की 4 बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है, लेकिन इसके अलावा भी अक्षय कुमार एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, और वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म में वेब सीरीज का। जब आपको बता दूं कि जल्दी आपको अक्षय कुमार डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम में वेब सीरीज करते हुए नजर आएंगे, और वो भी एक्शन से भरपूर। लेकिन इस वेब सीरीज के लिए अक्षय कुमार ने भारी भरकम फीस चार्ज की है। बता दें कि अक्षय कुमार इस वेब सीरीज के लिए 80 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, और इसी के साथ ही अक्षय कुमार ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि अभी तक भारत का कोई ऐसा एक्टर नहीं है जिसने सिर्फ वेब सीरीज के लिए इतनी भारी भरकम फीस मांगी हो। अक्षय कुमार पहले ऐसे एक्टर बने हैं जिन्होंने वेब सीरीज के लिए 80 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, और वैसे भी अक्षय कुमार की फैन फॉलोइंग बहुत ही तगड़ी है। उनकी फैन फॉलोइंग देखकर ये फीस कुछ ज्यादा नहीं है। फ्रेंड्स, आप क्या कहेंगे इस न्यूज को लेकर, वो हमें कमेंट करें। ये न्यूज पसंद आए तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए एफ एस टार न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें।